नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बड़े होंगे। आज हम फ्लावर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी नेट एग्जाम्स में फ्लावर डेकोरेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुष्प सज्जा के प्रकार है। ए ऑप्शन है आधुनिक शैली, बी ऑप्शन है वर्तमान शैली, सी ऑप्शन है परंपरागत शैली और डी ऑप्शन है विदेशी शैली। तो पुष्प सज्जा के अगर हम प्रकार की बात करें तो पुष्प सज्जा तीन प्रकार की है, परंपरागत शैली, आधुनिक शैली और विदेशी शैली। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, सी और डी राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी राइट आंसर हो जाता है। पुष्प सज्जा के अगर प्रकार की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आते हैं, परंपरागत शैली, विदेशी शैली और आधुनिक शैली आती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विदेशी शैली के अंतर्गत आते हैं ए ऑप्शन है रीका, बी सेकंड ऑप्शन है सोका, थर्ड ऑप्शन है आधुनिक, फोर्थ ऑप्शन है मोरीबाना और फिफ्थ ऑप्शन है नाजीरे। तो अगर विदेशी शैली के अंतर्गत हम देखें तो विदेशी शैली के अंतर्गत कौन कौन सी सज्जा आती है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी राइट आंसर है। ठीक है, विदेशी शैली के अंतर्गत रीका आता है, सोका आता है और मोरीबाना इसके अंतर्गत आता है और नाजीरे इसके अंतर्गत आता है, विदेशी शैली के अंतर्गत। इससे पहले हमने जो वीडियो मैंने जो वीडियो बनाई थी फ्लावर डेकोरेशन, तो उसमें मैंने डिटेल में बात कर रखी कि जो फ्लावर अरेंजमेंट है उसके जो प्रकार हैं तीन प्रकार से, परंपरागत शैली, आधुनिक शैली और विदेशी शैली। तो विदेशी शैली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने रेका, सोका, मोरीबाना और नाजीरे को डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने फ्लावर अरेंजमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो विदेशी शैली के अंतर्गत आते हैं रेका, सोका, मोरीबाना और नाजीरे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इकेबाना शब्द का अर्थ है, ए ऑप्शन है जापानी पुष्प सज्जा, बी ऑप्शन है जीवित फूल, सी ऑप्शन है पुष्प सज्जा का प्रकार और डी ऑप्शन है घर की जाने वाली पुष्प सज्जा। तो इकेबाना शब्द का अर्थ क्या है, जीवित फूल है। ठीक है, इकेबाना क्या है, जापानी पुष्प सज्जा के अंतर्गत आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर है, 15वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा है, ए ऑप्शन है रीका, बी ऑप्शन है नाजीरे, सी ऑप्शन है सोका और डी ऑप्शन है सभी। तो 15वीं शताब्दी की जो पुष्प सज्जा है वो कौन सी है, सोका है, क्वेश्चन नंबर फोर का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, चौड़े वो उथले फूलदान का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन है इकेबाना, बी ऑप्शन है मोरीबाना, सी ऑप्शन है नाजीरे और डी ऑप्शन है आधुनिक शैली। तो चौड़े और उथले पात्र का जो उपयोग किया जाता है, फूलदान का उपयोग कौन सी शैली में किया जाता है, मोरीबाना पुष्प सज्जा में किया जाता है, क्वेश्चन नंबर फाइव का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एल एस टी आकार में पुष्प सज्जा की जाती है, ए ऑप्शन है विदेशी शैली, बी ऑप्शन है जापानी सज्जा, सी ऑप्शन है आधुनिक शैली और डी ऑप्शन है परंपरागत शैली। तो एल टी एस टी आकार में जो पुष्प सज्जा की जाती है कौन सी शैली में की जाती है, आधुनिक शैली में की जाती है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, मिली जुली पुष्प सज्जा की जाती है, ए ऑप्शन है परंपरागत शैली, बी ऑप्शन है इकेबाना, सी ऑप्शन है वर्तमान शैली और डी ऑप्शन है आधुनिक शैली। तो मिली जुली जो पुष्प सज्जा की जाती है कौन सी शैली में की जाती है, आधुनिक शैली में की जाती है, क्वेश्चन नंबर सेवन का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट है, जापानी पुष्प सज्जा के इतिहास का वर्णन मिलता है, ए ऑप्शन है 8वीं शताब्दी से, बी ऑप्शन है 9वीं शताब्दी, सी ऑप्शन है 6ठी शताब्दी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जापानी पुष्प सज्जा के इतिहास का जो वर्णन मिलता है वो कौन सी शताब्दी से मिलता है, 6ठी शताब्दी से मिलता है, क्वेश्चन नंबर एट का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, तोकोनामा पुष्प सज्जा की जाती है, ए ऑप्शन है बौद्ध मंदिरों में, बी ऑप्शन है सामूहिक स्थलों में, सी ऑप्शन है घरों में और डी ऑप्शन है सभी जगह। तो तोकोनामा जो पुष्प सज्जा की जाती है कहाँ पे की जाती है, घरों में की जाती है। ठीक है, जब जापानी लोग अपने घरों में, पूजा स्थलों में, कमरों में पुष्प सज्जा करते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं, तोकोनामा के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टेन है,
जापानी पुष्प सज्जा की ऊंचाई होती है, ए ऑप्शन है 10 से 15 फीट, बी ऑप्शन है 10 से 20 फीट, सी ऑप्शन है 5 से 10 फीट और डी ऑप्शन है 8 से 12 फीट। तो जापानी पुष्प सज्जा की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 10 से 15 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीन रेखा प्रतीक होती है, किसकी प्रतीक होती है जो सीन रेखा है, ए ऑप्शन है पुष्प सज्जा के, बी ऑप्शन है मानव के, सी ऑप्शन है पृथ्वी का और डी ऑप्शन है स्वर्ग का। तो जो सीन रेखा होती है जापानी पुष्प सज्जा में किसके प्रतीक होती है, स्वर्ग के प्रतीक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव जाति के प्रतीक कौन सी रेखा है, ए ऑप्शन है सीन, बी ऑप्शन है सो, सी ऑप्शन है हाइकी और डी ऑप्शन है सभी। तो मानव जाति के प्रतीक कौन सी रेखा होती है, सो रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ए ऑप्शन है सीन, बी ऑप्शन है सो, सी ऑप्शन है हाइकी और डी ऑप्शन है मोरीबाना। तो 90 डिग्री का जो कोण बनाती है कौन सी रेखा है, सीन रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये बीच में केंद्र में स्थित होती है और सबसे लंबी रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी को प्रदर्शित करने वाली रेखा है, ए ऑप्शन है सो, बी ऑप्शन है हाइकी, सी ऑप्शन है नाजिरे और डी ऑप्शन है सभी। तो पृथ्वी को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, हाइकी रेखा है, ठीक है, ये नीचे को झुकी हुई रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुष्प सज्जा में 45 डिग्री का कोण बनाती है, ए ऑप्शन है हाइकी, बी ऑप्शन है सीन, सी ऑप्शन है इकेबाना और डी ऑप्शन है सो। तो पुष्प सज्जा में जो 45 डिग्री का कोण बनाती है वो कौन सी रेखा बनाती है, सो रेखा बनाती है, ये तीन मध्य की रेखा होती है और ये मानव को प्रदर्शित करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुष्प सज्जा हेतु आवश्यक सामग्री है, ए ऑप्शन है पैरामाउंट होल्डर, बी ऑप्शन है कैच, सी ऑप्शन है स्टेम होल्डर और डी ऑप्शन है स्टीम बेकर, डी 5 ऑप्शन है सभी। तो पुष्प सज्जा हेतु जो आवश्यक सामग्री है वो कौन से हैं, पैरामाउंटेन होल्डर, कल हमने पिक्चर्स के माध्यम से देखा था कि पैरामाउंटेन होल्डर कैसा होता है, क्रैच जिसे हम पिंजरा बोलते हैं और स्टेम होल्डर, ये सभी क्या हैं, पुष्प सज्जा हेतु आवश्यक सामग्रियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए राइट आंसर है, ठीक है, उसमें हमने पिक्चर के माध्यम से इनको अच्छे तरीके से समझा था कल वाली वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 17 है, पुष्प सज्जा में टहनी को काटना चाहिए, ए ऑप्शन है गोलाकार, बी ऑप्शन है चौकोर, सी ऑप्शन है तिरछा और डी ऑप्शन है सामान्य। तो पुष्प सज्जा में जो टहनी को काटना चाहिए वो कैसे काटना चाहिए, तिरछे आकार में काटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फूलों की डंडी कितने इंच पर कटनी चाहिए, ए ऑप्शन है 3 इंच, बी ऑप्शन है 5 इंच, सी ऑप्शन है 7 इंच और डी ऑप्शन है 2 इंच। तो फूलों की जो डंडी होती है वो कितने इंच पर कटनी चाहिए, 5 इंच पर कटनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जापानी पुष्प सज्जा में निम्न रेखाओं का उपयोग होता है, ए ऑप्शन है इकेबाना मोरीबाना नाजिरे, बी ऑप्शन है सीनसो हाइकी, सी ऑप्शन है रेका सोका और डी ऑप्शन है सभी। तो जापानी पुष्प सज्जा में जिन रेखाओं का उपयोग होता है वो कौन सी हैं, सीनसो हाइकी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जापानी पुष्प सज्जा में सबसे छोटी रेखा होती है, ए ऑप्शन है सीन, बी ऑप्शन है हाइकी, सी ऑप्शन है सो और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो जापानी पुष्प सज्जा में जो सबसे छोटी रेखा होती है वो कौन सी होती है, हाइकी होती है, ये पृथ्वी को प्रदर्शित करती है और ये कितना, 75 डिग्री का कोण बनाती है जो हाइकी रेखा है, ठीक है। तो ये हमने पुष्प सज्जा से संबंधित 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं। इससे पहले भी हम मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने पुष्प सज्जा को डिटेल में पढ़ा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।